इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल शहर, जहां पे कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई है समीक्षा बैठक। और हाल ही में इंदौर में हुई घटनाओं पर सीएम ने संज्ञान लिया था। इंदौर में मकान बेचने के पोस्टर और पलायन को लेकर लगे थे पोस्टर। बजरंग दल पर पुलिस के लाठीचार्ज पर भी चर्चा होगी। डीजीपी सुधीर सक्सेना, एडीजी आदर्श कटियार होंगे शामिल। पीएस मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी और ओएसडी मुख्यमंत्री अंशुमन सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इंदौर पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर अमित शर्मा भी शामिल होंगे। कलेक्टर अलैया राजा समेत इंदौर जिला प्रशासन के अधिकारी वर्चुअली जुड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और आज इसी कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक सीएम की तरफ से। अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। अमृतांशी, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा होता है कानून व्यवस्था, क्योंकि इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और इसी कानून व्यवस्था को लेकर आज मीटिंग, कितने बजे मीटिंग शुरू होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे इस बैठक की शुरुआत होनी थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं कानून व्यवस्था से जुड़े हुए वो सभी पहुंचने लगे हैं। डीजीपी सुधीर सक्सेना की बात करें या मुख्यमंत्री के ओएसडी की बात करें, इंटेलिजेंस के एडीजी आदर्श कटियार की बात करें, वो तो जुड़ने ही वाले हैं, लेकिन इंदौर शहर के जो तमाम अधिकारी हैं, कलेक्टर इलैया राजा, इसके अलावा अगर हम बात करें कमिश्नर पवन शर्मा के साथ साथ तमाम अधिकारी, मकरंद देउस्कर पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इंदौर शहर में पिछले कुछ दिनों में तरीके की घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो पूरी तरीके से संज्ञान ले चुके हैं। जिस तरीके से जो है लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर लगाए, जो पलायन के पोस्टर लगे थे, क्योंकि गुंडों से खौफ खाकर, गुंडों से परेशान होकर यहां पर इंदौर शहर के लोग अपने ही घरों से पलायन करने को मजबूर हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब संज्ञान ले चुके हैं और तमाम अधिकारियों से सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिर क्यों इस तरीके की स्थिति बन रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल में 40 बार से भी ज्यादा अभी तक जो रहवासी हैं वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी पुलिस अधिकारी की तरफ से या थाने में जो है इसकी शिकायत नहीं लिखी गई है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर यहां पर पूछेंगे कि आखिर क्यों गुंडों के खौफ से जो आम नागरिक हैं परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का देखिए सीधा हिसाब है कि जो गुंडे हैं उनको सीधा नेस्तनाबूद कर दिया जाए और इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए अगर उन्होंने जो है आम नागरिकों को परेशान किया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक और बात, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जो पिछले दिनों लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद जो है काफी ज्यादा हमने देखा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो रोष में आए थे। क्यों लाठीचार्ज हुआ, किस तरीके की स्थिति बनी, आखिर पूरा मामला क्या था, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो हम कह सकते हैं कि अधिकारियों से जो है पूछते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ ऐसी स्थिति बनी थी जो बजरंग दल पर लाठीचार्ज।